हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज लेके आ गई हूँ। एक एक क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस कीजिए, एक एक क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं जो क्वेश्चंस आपको डेली बेसिस पे करा रही हूँ दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट हैं। आप बीच में स्किप करके छोड़ के भागिएगा मत दोस्तों, क्योंकि आपके लिए प्रैक्टिस मोस्ट है। एंड जो मैंने प्रैक्टिस कराया है, बार बार रिविजन कीजिए। मैंने बीपीएससी टीआई 2 में 79-80 वीडियोज का प्रैक्टिस कराया है, और मैं जो डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, ये 12वां वीडियो है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ दोस्तों। चाहे आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरे चैनल पे विजिट कीजिए और डेली बेसिस से प्रैक्टिस कीजिए। चाहे थ्योरी सेशन हो, एमसीक्यू प्रैक्टिस हो, ऑनलाइनर हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, सभी प्रकार के वीडियोज अवेलेबल हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सभी प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि खेल ट्रेनिंग एक योजनाबद्ध एवं नियंत्रित प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। यह कथन किसके शब्दों में है दोस्तों? इस प्रकार के जो परिभाषाएं हैं, डिफिनेशंस हैं, पूछे जा सकते हैं। तो खेल ट्रेनिंग की एक योजनाबद्ध एवं नियंत्रित प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। यह कथन है मार्टिन का। यह कथन किसका है? मार्टिन का। नेक्स्ट है, खेल ट्रेनिंग खिलाड़ी की तैयारी का मौलिक स्वरूप है। यह कथन किसका है दोस्तों? तो यह कथन है मैट वी मेव का। योजनाबद्ध तरीके से आएगा तो मार्टिन का। एक तैयारी का मौलिक स्वरूप पूछेगा दोस्तों तो मैट वी वे का है, इसलिए याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ी का आधार एवं नींव प्रदान करने के लिए सामान्य गामा की योग्यताओं गुणों का विकास सामान्य अनुकूलन कहलाता है, यह सिद्धांत कौन सा है? तो दोस्तों, यह सामान्य अनुकूलन का सिद्धांत है। नेक्स्ट है, खेल ट्रेनिंग के गामक गुणों एवं योग्यताओं का विकास चाल, शक्ति और तकनीकी कौशल के दृष्टिकोण के साथ किया जाता है, यह सिद्धांत किसका है? तो यह सिद्धांत है दोस्तों विशिष्ट अनुकूलन का। किसका है? विशिष्ट अनुकूलन का। जब भी खेल शब्द आ जाए तो वो विशिष्ट की बात ही करेगा दोस्तों, तो यहाँ पे विशिष्ट अनुकूलन का आपका है, जिसमें चाल, शक्ति, तकनीकी कौशल के दृष्टिकोण के साथ किया जाता है, योग्यताओं का विकास विशिष्ट अनुकूलन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है, खेल ट्रेनिंग का उद्देश्य प्रतियोगिताओं में उच्च स्तर प्रदर्शन प्राप्त करना है, एवं खेल ट्रेनिंग की प्रक्रिया लंबी अवधि तक चलने वाली एवं प्रदर्शन युक्त होती है, यह कहलाती है। तो प्रदर्शन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे यह खेल प्रतियोगिता का प्रदर्शन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खेल एवं खेल प्रतियोगिता में उच्च स्तर प्रदर्शन प्राप्त करने की खेल ट्रेनिंग एक योजनाबद्ध एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया है, यह क्या कहलाती है? तो दोस्तों, यह कहलाती है एक योजनाबद्ध और क्रमबद्ध प्रक्रिया। नेक्स्ट है, 12 महीने से वर्षों तक की ट्रेनिंग क्या कहलाती है? दोस्तों, आप सबको पता है 12 महीने की जो ट्रेनिंग साइकिल होती है, तीन होती है, मैक्रो चक्र, मीजो चक्र एंड माइक्रो चक्र। मैक्रो चक्र को ट्रेनिंग योजना भी कहते हैं। यह 3 से 12 महीने का यानी 1 साल का होता है, इसलिए मैक्रो चक्र को सबसे बड़ा ट्रेनिंग साइकिल कहा जाता है। दूसरा होता है मीजो चक्र, जिसे मासिक ट्रेनिंग चक्र या अवस्थन चक्र भी कहते हैं, और तैयारी काल भी कहते हैं। यह 3 से 6 सप्ताह यानी कि 1 से 1.5 माह का होता है। दोस्तों, याद रखिएगा, तैयारी काल किसे कहते हैं? तो मीजो चक्र को कहते हैं, याद रखिएगा। एंड तीसरा होता है माइक्रो चक्र, जो सबसे छोटा चक्र होता है, जिसे सूक्ष्म अवधि या साप्ताहिक योजना भी कहते हैं, क्योंकि यह 3 से 10 दिन का होता है यानी 1 सप्ताह का होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे 12 महीने से वर्षों तक की ट्रेनिंग योजना को मैक्रो चक्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, मासिक ट्रेनिंग या 3 से 7 सप्ताह तक की ट्रेनिंग क्या कहलाती है? तो 3 से 7 यानी 3 से 6 सप्ताह की ट्रेनिंग चक्र को मीजो चक्र बोला जाता है, और मीजो चक्र को मासिक ट्रेनिंग चक्र या अवस्थन चक्र या तैयारी काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, साप्ताहिक ट्रेनिंग या 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे मैक्रो चक्र कहा जाता है, जो 3 से 10 दिन तक का होता है, और इसे साप्ताहिक योजना या सूक्ष्म अवधि चक्र भी बोला जाता है।
नेक्स्ट है पांच गामक योग्यताओं का योग जो कि क्रमशः ताकत यानी स्ट्रेंथ, चाल यानी स्पीड, सहनशीलता यानी कि एंड्योरेंस, लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी, समन्वय योग्यता यानी कि कोऑर्डिनेशन है, या क्या कहलाती है दोस्तों, ये मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस है। तो यहाँ पे शारीरिक दक्षता यानी कि फिजिकल फिटनेस कहलाएगा, शारीरिक दक्षता यानी कि यह फिजिकल फिटनेस कहलाएगा। जैसे कि फिजिकल फिटनेस को दो भागों में बांटा गया है, हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस एंड मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के अंतर्गत मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कंपोजिशन आता है। जबकि मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस में स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज आता है, जिसके बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। आपको कोई डाउट होगा तो स्पोर्ट ट्रेनिंग वाले प्लेलिस्ट में जाइए और सभी चीज़ें डिटेल में पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है खिलाड़ी के खेल प्रदर्शन का विकास खेलों की गामक क्रियाओं या गतियों के माध्यम से ही संभव है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों यह प्रक्रिया कहलाती है तकनीकी कौशल। यह क्या कह रहा है, खिलाड़ी के खेल प्रदर्शन का जो विकास होता है वो तकनीकी कौशल से ही तो होगा, क्रियाओं या गतियों के माध्यम से, तो कौन तकनीकी कौशल की? दोस्तों टेक्निक यानी कि तकनीकी, और टैक्टिक्स यानी युक्ति। टेक्निक मतलब जो जिस टेक्निक से हम खेल रहे हैं, और युक्ति यानी कि टैक्टिक्स जो होता है खेल के दौरान एकाएक परिवर्तन यानी कि दिमाग लगाना जो होता है, और चकमा देना है दूसरे खिलाड़ी को, उसी को युक्तिपूर्ण क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट है कुछ तत्व क्रमशः प्रतियोगिता नियमों का ज्ञान, युक्तिपूर्ण कौशल एवं युक्तिपूर्ण योग्यता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों यह प्रक्रिया कहलाती है युक्तिपूर्ण क्षमता। ठीक है, जो प्रतियोगिता नियमों का ज्ञान, युक्तिपूर्ण कौशल, युक्तिपूर्ण योग्यता है, और तुरंत मतलब सोचने समझने की जो क्षमता होती है, एक सेकेंड में अनुमान लगा लेना कि हमको बॉल किधर मारना है या क्या सोचना है, यह युक्तिपूर्ण क्षमता कहलाता है। नेक्स्ट है खिलाड़ी का खेल प्रदर्शन कुछ सीमा तक उपरोक्त तीन कारकों के साथ साथ शरीर रचना एवं शरीर की योग्यता पर निर्भर करता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह तो दोस्तों यह प्रक्रिया कहलाती है शिक्षा या व्यक्तित्व का विकास। ठीक है, शिक्षा या व्यक्तित्व का विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। नेक्स्ट दोस्तों खेल ट्रेनिंग का मुख्य कार्य खिलाड़ी के संपूर्ण व्यक्तित्व यानी कि ऑल जो व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी होता है, का विकास करना है। खेल ट्रेनिंग का मुख्य कार्य क्या है, खिलाड़ी के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया कहलाती है खिलाड़ी की मनोवैज्ञानिक ट्रेनिंग के क्षेत्र में कार्य। दोस्तों व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी की बात आए तो उसमें मनोवैज्ञानिक कारकों के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है खेल ट्रेनिंग की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि खिलाड़ी की दिनचर्या नियमित की जाए, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया कहलाती है दैनिक दिनचर्या नियंत्रण। क्या कहलाती है दोस्तों? दैनिक दिनचर्या नियंत्रण, यानी खेल ट्रेनिंग की अगर सफलता प्राप्त करना है तो नियमित रूप से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस तरह जो भी एग्जाम आप करने जा रहे हैं उसमें डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना आपको अनिवार्य है। नेक्स्ट है खेल ट्रेनिंग प्रशिक्षक के द्वारा योजनाबद्ध, नियमित तथा मूल्यांकित किया जाता है, यह सिद्धांत कौन सा है? तो दोस्तों यह सिद्धांत है खेल प्रशिक्षण के मूल्यांकन का सिद्धांत, यानी कि खेल ट्रेनिंग प्रशिक्षक के द्वारा योजनाबद्ध, नियमित तथा मूल्यांकित किया जाता है। पहले ट्रेनिंग दिया जाता है, फिर उसकी जांच किया जाता है कि कहां तक यानी मूल्यांकन किया जाता है, तो यह खेल प्रशिक्षण मूल्यांकन सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है नौ सिखिया एवं एडवांस खिलाड़ियों के प्रशिक्षण में विभिन्न वैज्ञानिक विधियों एवं सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है, यह कौन सी प्रशिक्षण कहलाती है? तो एक नौ सिखिया बच्चा है और एक एडवांस है, दोनों में उसको सिखाने के लिए वैज्ञानिक प्रशिक्षण का प्रयोग किया जाता है, तो यह प्रशिक्षण वैज्ञानिक प्रशिक्षण विधि कहलाएगा। नेक्स्ट दोस्तों खेल प्रशिक्षण का मूल्यांकन योजनाबद्धता, क्रमबद्धता एवं अनुप्रयोग प्रशिक्षक या खेल शिक्षक एवं खेल विशेषज्ञ के द्वारा किया जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया कहलाती है
खेल प्रशिक्षक या नेता के रूप में जो भी उसको संपन्न करवाता है और खेल प्रशिक्षक का मूल्यांकन करता है, खेल प्रशिक्षक करवाता है, उसे खेल प्रशिक्षक नेता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रत्येक खिलाड़ी को खेल प्रशिक्षक के दौरान या अवधि में अपने दैनिक क्रियाकलापों पर नियंत्रण करना आवश्यक होता है। यह क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है दोस्तों दैनिक क्रियाकलापों पर नियंत्रण की प्रक्रिया। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व का विकास खिलाड़ी को उच्च स्तर प्रदर्शन तक पहुंचाने में सहायक होता है। यह प्रक्रिया कौन सी है? जो हमारी पर्सनालिटी का जो डेवलपमेंट होता है, पर्सनालिटी मतलब सब कुछ उसमें आ जाता है दोस्तों। तो वह जो खिलाड़ी को उच्च प्रदर्शन उच्च स्तर का जो प्रदर्शन होता है, परफॉर्मेंस होता है प्रतियोगिता में, वहां तक पहुंचाने में सहायक होता है व्यक्तित्व का विकास, यह प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? यह प्रक्रिया कहलाती है शैक्षिक प्रक्रिया। ठीक है, यह शैक्षिक प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक सर्वेक्षण अनुप्रयोग विश्लेषण एवं संश्लेषण की प्रक्रिया जिस प्रशिक्षण की मुख्य विशेषताएं हैं, वह कौन सी प्रशिक्षण या प्रक्रिया कहलाती है? तो वह कहलाती है परिपक्वता की प्रक्रिया, जिसमें वैज्ञानिक सर्वेक्षण हो, अनुप्रयोग हो, संश्लेषण हो, विश्लेषण हो, उस प्रक्रिया को हम परिपक्वता की प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है, खेल प्रशिक्षण में साधनों तथा विधियों की खोज खेल प्रदर्शन में परिपक्वता विकास की सतत प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया कौन सी है? यह प्रक्रिया है परिपक्वता की प्रक्रिया। नेक्स्ट है, खेल प्रशिक्षण एक शैक्षणिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से खिलाड़ी के व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। यह कौन सी प्रक्रिया है दोस्तों? यह प्रक्रिया है एक शैक्षणिक प्रक्रिया। यह व्यक्तित्व का विकास यहाँ भी आएगा, वहां भी शैक्षणिक प्रक्रिया होगा, याद रखिएगा। या मनोवैज्ञानिक शब्द रहेगा तो वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खिलाड़ी को विभिन्न विधियों एवं साधनों के माध्यम से खेल प्रशिक्षण दी जाती है। यह कथन यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया भी परिपक्वता की प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल प्रशिक्षण की ये विधियां एवं साधन स्थायी प्रकृति के नहीं हैं, बल्कि परिवर्तनशील होते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों यह प्रक्रिया कहलाती है, यह भी कहलाती है परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी की प्रक्रिया कहलाती है। जो एक इंसान जो परिस्थितियां हैं उसको बदलते ही अपने आप को ढाल ले, यानी कि वो मैच्योरेट है, यानी कि मैच्योरिटी उसके अंदर है, यह परिपक्वता की प्रक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों जितना मेरे से हो सकेगा, अभी आपके एग्जाम डेट नहीं आया है, मैं डेली बेसिस प्रैक्टिस कराती रहूंगी और मैं हर एक चीज़ का प्रैक्टिस करा चुकी हूँ। और थ्योरी सेशन मैंने डिटेल में बताया हुआ है, सभी थ्योरी सेशन को आप डिटेल में देखिए, क्योंकि फ्री में इतना कुछ अवेलेबल कोई नहीं दे रहा है। और मैं फ्री में दे रही हूँ तो उसका वैल्यू आप लोग नहीं समझते हैं। अगर मैं आपसे पैसा लेती तो आप इसका वैल्यू समझते थे। तो कुछ समय बाद मैं भी वैसे ही करने लगूंगी, क्योंकि आप लोग वैल्यू नहीं देते हैं फ्री वाली चीज़ों को। तो दोस्तों ऐसे ही आप डेली बेसिस प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी लाइफ में सफलता प्राप्त करते रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।